एक अमेरिकी खुफिया केबल से पता चला है कि सीरिया में जारी हिंसक संघर्ष की समाप्ति के लिए अमेरिकी अधिकारी राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारियों ने एक इंटरनल मेमो पर दस्तखत किए हैं। इस मेमो में बशर अल असद के खिलाफ हमले की मांग की गई है। इन अधिकारियों ने कहा है कि जब असद सत्ता से बेदखल होंगे तभी आईएसआईएस की हार होगी। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सीरिया पर किसी तरह के हमले से बचते आए हैं। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों की इस मांग से खलबली मच गई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में लिखा है कि इस केबल में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से सीरिया में गतिरोध और हवाई हथियारों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से हमले करने की मांग की गई है। दरअसल सार्वजनिक रूप से अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर सीरिया संकट का हल निकालने की ठानी थी। वे असद और विपक्षी गुटों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार करना चाहते हैं। लेकिन रूस के वाकई ऐसा करने की मंशा पर अमेरिका को हमेशा से शक रहा है। सीएनएन ने इस मेमो के मसौदे की समीक्षा की है जिसे अब तक गोपनीय रखा गया है। पहली बार इस मेमो के बारे में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट प्रकाशित की। ये आंतरिक मेमो डिसेंट चैनल के माध्यम से भेजा गया जिसे अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के लिए विदेश नीति पर प्रतिशोध के भय के बिना अलग विचार व्यक्त करने के लिए बनाया गया है।